फिरोजाबाद के थाना सदर क्षेत्र के अंतर्गत गांव किशनपुर खेड़ा में मीठा शरबत पीने से लगभग 40 बच्चे फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए। फिरोजाबाद जिले के सिरसागंज थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव किशनपुर खेड़ा में मीठा शरबत पीने से लगभग 40 बच्चे फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। बताया जा रहा है कि शरबत बनाते वक्त उसमें कोई केमिकल मिलाया गया था, उस केमिकल की वजह से शरबत पीने के बाद सभी बच्चे फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। फिलहाल सभी बच्चों को 108 एम्बुलेंस की सहायता से जिला संयुक्त अस्पताल फिरोजाबाद में भर्ती कराया गया, जहां सभी का उपचार चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, साक्षी न्यूज, फिरोजाबाद। परीक्षा क्या हुआ तुम्हारे, कैसे बीमार हो? बाबा सुनने गए थे, वहाँ पे शरबत मिला, सो पी लिया, सो उल्टी दस्त होने लगे और बाकी के सभी बच्चे भी तकलीफ। कितने लोग और बीमार हुए शरबत पीने? 40। मीना, मीना जी, ये बच्चे कैसे बीमार हुए सर? बच्चे ऐसे भी परेशान हुए थे वहाँ खेरे पे, भागवत बैठी वहाँ शरबत पिया था इन्हें, सुबह शरबत पिया था तो दस्त उल्टी उसी दिन से हो गए माँ से आके। कितने लोग बीमार हो गए? माँ लोग हो गए 40%। खड़ी हैं बच्चे, आ रहे हैं अभी, आ रहे बहुत बच्चे, घायल हैं। और कोई स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुँची वहाँ पर? हाँ, टीम पहुँची है, सुखाबाद की टीम पहुँची है। क्या मामला है उनका? अभी जो हमारे यहाँ जो मरीज एडमिट हुए हैं, नियर अबाउट 12 मरीज हैं, उन्हीं लोगों से पता चला है कि वहाँ शरबत पीने से 30-40 लोग इसके शिकार हो गए हैं और एम्बुलेंस लेने गई हैं। बाकी जो आए हुए हैं वो सेटल हैं, ठीक हैं, उनको हमने प्राइमरी ट्रीटमेंट और ट्रीटमेंट दे रहे हैं, वो ठीक है।